यस, मीडिया को भी अपनी डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए कि जब कोई इंसान है कहाँ पे है तो किस तरह के उसको पाउंस करना है, घेर लेना है, क्या कर लेना है। और आपको लगता है कि वो ठीक है, दिखाया? हाँ दिखाया, और बहुत प्राउडली दिखाया इस चीज को। मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ दीपिका, बहुत प्राउडली दिखाया क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे क्या चीज थी। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब देख रहे हैं मैं यूट्यूब चैनल अलीना रिएक्शन ब्लॉग। बात की जाए दीपिका और शुभ इब्राहिम की, तो माशाल्लाह शुभ इब्राहिम और दीपिका बिल्कुल सही हैं, उनके बीच ऐसी कोई फाइट नहीं हुई है। शुभ इब्राहिम और दीपिका ने अपना रीजन बताया है कि आखिर उन्होंने क्यों नहीं वीडियो अपलोड की और कोई क्यों पोस्ट नहीं आई है। शुभ इब्राहिम ने बताया है रीजन। शुभ इब्राहिम का कहना है कि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं अपने शो की वजह से, और वो पहले भी ये बता चुके हैं। जिस वक्त दीपिका मदर अवार्ड के लिए दुबई पहुंची थी, उस वक्त शुभ इब्राहिम दीपिका के साथ नहीं गए थे। और आपको लगता है कि वो ठीक है, दिखाया? हाँ दिखाया, और बहुत प्राउडली दिखाया इस चीज को। मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ दीपिका, बहुत प्राउडली दिखाया क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे क्या चीज थी। और एक सिंपल सी चीज है, एटीट्यूड आ गया है? हाँ आ गया। हमें आपको प्रूफ नहीं करना, हमें उसको प्रूफ करना है। वो जानता है। बाकी आपको जोक करना है करो, आपको ट्रोल करना है आप ट्रोल करो, आपको रोस्ट करना है आप रोस्ट करो, आपको जो करना है आप वो करो। एक चीज की हमेशा खुशी रहेगी कि वी आर देयर, क्योंकि हमारी वजह से आपके घर चल रहे हैं, हमारी वजह से आपके चैनल चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मतलब ये ऊपर वाले की सबसे बड़ी इज्जत है कि हमें ट्रोल करके लोगों के चैनल चल रहे हैं, उनको फेम मिल रहा है। तो यही तो यहीं से आप समझ सकते हैं, यहीं से आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ने किसको इतनी इज्जत नवाजी है। एंड एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, जो ट्रोल करते हैं, जो हेटर्स हैं वो है, लेकिन जो हमें जेन्युइनली प्यार करते हैं, मुझे कल मैं बाहर निकली थी, कल मुझे इतने लोग मिले हैं और मेरे चैनल पे भी इतने सारे लोगों के मैसेजेस हैं जो कह रहे हैं कि आप लोग जैसे हो वैसे हो, आप प्लीज अपना मन उदास मत करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको जानते हैं। तो उन सबके लिए दिल से प्यार, थैंक यू सो मच गाइज। हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। तो बस ये है, और देखो गाइस अभी आगे भी ऐसा हो सकता है कि मैं ब्लॉग हो सकता है रोज डाल दूं, हो सकता है मैं 4-5 दिन डालूं, क्योंकि जनरली मेरी शेड्यूल बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा शुभ इब्राहिम ने पहले एक बात कही थी कि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, वो वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं ब्लॉग के लिए। हाल ही में थी सबा इब्राहिम की शादी, यहाँ तक कि 2-2 जगह फंक्शन, ये एक इंसान ही जान सकता है कि 2-2 जगह के फंक्शन और वो भी इतनी धूमधाम से। इसी बीच एक और खुशी आती है, शुभ इब्राहिम जिस सीरियल में काम कर रहे हैं, सीरियल अजूनी का 100 एपिसोड पूरे होने की खुशी में शुभ इब्राहिम अजूनी फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। दूसरे ही दिन दीपिका कक्कड़ को मदर अवार्ड के लिए दुबई में नवाजा जाता है। माशाल्लाह शुभ इब्राहिम की जिंदगी में फिर से एक खुशी आती है, शुभ इब्राहिम को दादा साहेब अवार्ड से नवाजा जाता है। शुभ इब्राहिम के एक दोस्त की शादी होती है जहां पर वो काफी बिजी होते हैं। अब आप ही बताइए कि दीपिका या फिर शुभ इब्राहिम के कैसे व्लॉग आते या फिर वो कैसे पोस्ट शेयर करते। इंशाल्लाह कभी दीपिका और शुभ के बीच लड़ाई ना हुई है और ना कभी होगी। थोड़ी बहुत नोक झोंक हर इंसान में होती है, जहाँ नोक झोंक नहीं वहाँ प्यार नहीं, जहाँ प्यार होता है वही नोक झोंक होती है। ये छोटी मोटी बातें तो हर घर में चलती रहती है। माशाल्लाह दीपिका एक परफेक्ट बीवी है जो शुएब की जिंदगी में आई है, और शुएब दीपिका की जिंदगी में आए हैं, और शुएब इब्राहिम दीपिका से बहुत प्यार करते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अब आपसे इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।